कादरा जी, ये पकोड़े बनाने की नौबत कैसे आ गई आप? प्राइम मिनिस्टर मोदी का वजह से, मोदी जी ने हम सब छोटा छोटा फार्मर लोग को नो सड़क पे ला दिया है, बर्बाद कर दिया है, तो पकोड़े बेचने के अलावा ऑप्शन क्या है? आई हैव नो चॉइस अदर देन दिस पकोड़ा। लेकिन कादरा जी, ये पकोड़ा बनाने में मज़ा आ रहा है आपको? ऑफ कोर्स, मैं तो अपना फ्रेंड मालिया से बोलूँगा कि लंदन से इधर आ जाए, अपना इधर बाजू में आके इधर पकोड़े का ठेला लगाए, तो SBI का सारा लोन 2 महीने में उतर जाएगा, यू नो। लेकिन ये पकोड़ा बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपको? अपना साला साहब, राहुल गांधी, सारा वर्ल्ड जानता है उनका आलू का फैक्ट्री है, तो अपना कच्चा माल, सारा रॉ मटेरियल अपना घर का हो जाएगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है फिर अपना, और जिधर प्रॉफिट होता है उधर तो मैं होता है। अच्छा कादरा जी, आपको ज़मीन की डीलिंग्स में जो प्रॉफिट होता था, आपको लगता है कि इस धंधे में भी आपको उतना प्रॉफिट हो पाए? या आई एम प्रीटी श्योर। इधर से आलू पड़ेगा और उधर से सोना निकलेगा, ये तो सिंपल है। लेकिन कादरा साहब, आपने कभी पकोड़े बनाए हैं? मतलब आता है आपको पकोड़े बनाना? हम इतना साल से पब्लिक और सरकार का बना रहा है, तो पकोड़ा भी बना ही लेगा, इट्स नो बिग डील। सर लोहा गरम है, मार दो थोड़ा। गरम है तेल, तल दो पकोड़ा। हाँ, तो तल रहे हैं, चलो हटो हटो अब हमको। कादर जी एक आखिरी सवाल। ये जमीन पे भी वैसा ही कोर्ट केस चल रहा है जैसा आपकी पिछली जमीन पे चल रहा था। आर यू नट्स, आर यू पोटैटो, आर यू, इसका मुंह में पकौड़ा भर के इसका मुंह बंद कर दो। कितना बकैती करते हो आज ये लोग।